सबसे पहले आपके हरियाणा में जो बोलते हैं, मैं मास्टर करमवीर बोल रहा हूं, आपके लगाते हैं पहले मास्टर शब्द, तो मैं चाहता हूं करमवीर जी आए, नम्रता के पापा जिनकी बेटी लेडी हार्डिंग में, एक बार जोरदार तालियां बजाते हुए करमवीर जी अपनी बात रखें। आए करमवीर जी। परम आदरणीय सीएलसी सीकर के मुखिया श्री श्रवण चौधरी जी और उनकी पूरी टीम का मैं जींद की पावन धरा पर आने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सीएलसी सीकर लगभग 300 किलोमीटर यहाँ से, लेकिन श्रवण जी का प्यार, उनका स्नेह देखिए कि कल यहाँ आ गए थे और उन्होंने कहा कि मैं तो जींद के लोगों से आमने सामने बात करना चाहता हूँ। ये हमारा परम सौभाग्य का दिन है आज के लिए कि श्रवण जी जैसे आदर्श शिक्षक हमारे बच्चों को आगे बढ़ने का रास्ता बता रहे हैं। तो मैं श्रवण जी और उनकी पूरी टीम का यहाँ पहुँचने पर दिल से अभिनंदन करता हूँ। सीएलसी एक साधारण संस्था नहीं है, मेरा अपना अनुभव है, मेरी बेटी वहाँ से सेलेक्ट है। आप यकीन मानिए, कभी मौका मिले तो जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सीएलसी एक उच्च कोटि की संस्था है जिसके चार मूल सिद्धांत हैं, शिक्षा, संस्कार, सुरक्षा और सफलता। वहाँ बहुत अच्छी टीम है, शिक्षा के लिए उत्कृष्ट और अनुभवी टीचर हैं वहाँ पर। आप कभी मौका मिले तो देखोगे कि वो समर्पित टीचर हैं वहाँ, जो आपके हर बच्चे के हर डाउट को क्लियर करेंगे। आपका बच्चा जब तक संतुष्ट नहीं होगा, वो टीचर उस डाउट काउंटर को छोड़ के नहीं जाएंगे। सुरक्षा है, जैसे अब मेरी बेटी वहाँ 10 महीने, उसने लगभग 75 टेस्ट दिए और रात को नाइट कैंप 1 बजे तक अटेंड किया। यकीन मानिए, बिल्कुल चादर तान के सोया मैं, तो कभी भी चिंता नहीं हुई जरा से भी सुरक्षा की। ये है सीएलसी। संस्कार, वहाँ हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ होता है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि वहाँ प्रत्येक बच्चे को हनुमान चालीसा याद है, प्रत्येक बच्चे को। ये है सीएलसी के संस्कार और सफलता। मैं तो सीएलसी को कभी नहीं भूल पाऊंगा। सीएलसी का मेरे ऊपर एक कृतज्ञता आभार है कि मेरी बेटी आज लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली में MBBS थर्ड ईयर की स्टूडेंट है। एक शानदार सफलता दी सीएलसी ने हमें। 664 उस टाइम में 2019 बैच की मेरी बेटी 664 नंबर और ऑल इंडिया रैंक 418 था और हरियाणा में तो 7वां नंबर था। ये है सीएलसी। तो आप भी यकीन कीजिए, एक बार सीएलसी पर विश्वास करके देखिए। सीएलसी विश्वास और प्यार का नाम है। सीएलसी जी, जो भी गार्डियन मेरे जींद जिले के वासी वहाँ गए हैं, बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये मानते हैं कि हमारा बच्चा सही जगह पर और सही स्थान पर आया है और इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म पढ़ने के लिए नहीं हो सकता। तो मैं मेरे जींद जिले के प्रबुद्ध जागरूक लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ कि जब भी मौका मिले सीएलसी जरूर विजिट करें। आप जिनके बच्चे के अंदर कैपेसिटी है, प्रतिभा है, तो एक बार सीएलसी का दौरा जरूर करें। आपको वहां वो वातावरण मिलेगा जिसकी आपको तलाश है। अब मैं बताऊं, हमारे जींद के श्रवण जी, हमारे जींद के जो माँ बाप हैं, अभिभावक हैं, बिल्कुल भोले हैं। कल शाम को ही अलीपुरा से एक सुमित लड़का है और ऋषि राम उनके पिता का नाम है, अब की बार सेलेक्ट हुआ, वो 661 नंबर 666 नंबर लेकर वो आगे बैठे। और आप यकीन नहीं करोगे कि एक बार भी सीएलसी जाकर नहीं देखा इन्होंने। मैं बोला कमाल कर दिया, हमने तो 8 तक कर मारे थे। तो जींद जिले के लोग भोले जरूर हैं, लेकिन विश्वास करते हैं जैसे हमने सीएलसी पर किया। तो ये है ऋषि राम जी अलीपुरा से। तो मैं चाहता हूँ कि आप इनकी तरह इतने भोले भी ना बना, भाई सीएलसी जाकर ना देखा। तो प्लीज़ जब भी मौका मिले सीएलसी संस्था को विजिट जरूर करें, आपको वो वातावरण मिलेगा जिसकी आपको तलाश है। तो अंत में मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए प्रभु से ये प्रार्थना करूँगा कि हम सबकी अपनी संस्था है सीएलसी, वो सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित करे। जय सीएलसी, जय श्री बालाजी। थैंक यू। ये हमारे करमवीर जी हैं।